गाइस मैं आज वराजदीन आया हूँ, जागरेब से थोड़ा सा बाहर 80 किलोमीटर दूर है। ये मेरे दोस्त हैं, वाहिद भाई हैं, इनसे मिलने आया हूँ। इनके रूम पे जाके मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा, कैसे क्या, ये कहाँ से हैं, क्या है क्या नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं। ये इनका होटल है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये काम करते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये ब्लैक पूरा, ये ऊपर तक देखिए पूरी बिल्डिंग, ये पूरा इनका होटल है दोनों साइड में। ये पूरा यहाँ पे इंडिया से, अपने मुंबई से हैं, यहाँ पे काम करते हैं। और अभी वाहिद भाई के रूम पे जा रहा हूँ, इनसे कुछ काम था, मिलने आया, रीज़न था कुछ, तो वाहिद भाई के रूम पे जाके फिर आगे की बात करेंगे जी। मिलते हैं, मिलेंगे। एकोमोडेशन दिखाता हूँ पहले मैं आपको, उसके बाद में एकोमोडेशन होटल ने दिया हो। होटल के दो बिल्डिंग्स हैं, एक मेन बिल्डिंग है जो जिसमें अभी पूरा, जैसे मान लीजिए होटल प्रॉपर चल रहा है, एक दूसरा बिल्डिंग है जो पुराना बिल्डिंग है जो पहले था होटल, पास में तो उसमें पूरे स्टाफ को एकोमोडेशन दे रखा है। ये इनका एकोमोडेशन है, जैसे होटल में रूम होते हैं वैसे, ये पूरा एक रूम देर का इनको प्रस्ताव मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अपन अंदर आ गए, ये इधर लेटवाथ है, उसके बाद में ये देखिए आप पूरा ये रूम है, पर्सनल इनको देर का है। ये भाई है, अपन पूरी इनसे डिटेल लेंगे। हाय भाई, हाय हाय, बोलिए कैसे हैं सब लोग। ये और इनका अकाउंट, ये एक विंडो है, टीवी वगैरह, ये पर्सनल इनका बेड है आपके लिए, ये पर्सनल। जी जी, मेरा पर्सनल, ठीक है। इनसे पूरा इंटरेक्ट करते हैं अपन। वैद भाई पहले थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम वाहिद है, मैं इंडिया मुंबई से हूँ। मैं वराजदीन क्रोएशिया में आया हूँ जॉब के लिए, होटल में जॉब करता हूँ, शेफ हूँ मैं। अभी मुझे एक 1.5 महीना ही हो गया है आके, अभी दिसंबर में आया, दिसंबर में आया। ओके, और अपन लगभग 3-4 महीने से अपना बात हुआ, कॉन्टेक्ट में ही है। ओके, तो भाई अभी जो यहाँ आने का आपका पूरा जर्नी रहा है जी, ओके भाई, कैसे कैसे आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है और कैसे इंटरव्यू करके क्या आए, एक बार थोड़ा एक ब्रीफ ब्रीफ मतलब शॉर्टली एक बार बताएंगे आप। एक्चुअली मैं एज अ प्रोफेशनल होटल का ही मैं कोर्स किया हूँ, होटल मैनेजमेंट किया हूँ मुंबई से। ओके, कोजूर कॉलेज से। डिग्री या डिप्लोमा किया हूँ? डिप्लोमा किया। ओके जी, तो मैं उसके बाद में ट्रेनिंग किया हूँ बॉम्बे में। ओके, फिर ट्राइडेंट ओबेरॉय में जॉब पे था। ओके, उसके बाद में JW मैरियट सऊदी में 8 साल। 8 साल वहाँ पे आपने काम किया। ओके, इनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है JW मैरियट सऊदी का, प्लस इनका जो इंटर्नशिप टाइप हुआ था डिप्लोमा के बाद में वो मुंबई में, ओबेरॉय में 11 साल का एक्सपीरियंस। ओके, टोटल 11 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में आपने यहाँ आने का मन बनाया, उसके बाद में आपने अप्लाई डायरेक्ट किया या किसी के थ्रू किया? नहीं, किसी में एजेंसी के थ्रू आया हूं। अच्छा है सब कुछ, जैसा उन्होंने बताया था उन्होंने वहाँ पर मुझे, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। मैं जून में सब प्रोसेस स्टार्ट किया था। अच्छा, जून 3-3.5 महीना लग जाता है, तो मैं सेप्टेम्बर में सबमिशन करके, दो महीना आपका वीजा आपने मुझे बताया कि टाइम लगा इनका सबमिशन के बाद, 2 महीने बाद वीजा आया। तो कई लोग बोलते हैं कि मेरा वीजा नहीं आया, 1 महीने में आ जाता है, ये आ जाता है, पर कई बार टाइम लग जाता है, पर ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट होगा, ये वो टेंशन नहीं। डॉक्यूमेंट्स अच्छे थे, डॉक्यूमेंट तरीके से प्रॉपर लगा। अच्छा, तो एक और चीज भाई, इनको आप बताइए कि भाई यहाँ पे आने के बाद लाइफ कैसी है, क्या काम कैसा है, अकोमोडेशन वगैरह क्या सीन है? लाइफ अच्छी है। ओके, काम सीख के, काम सीख के ही आना है। पहली बात यही है, यहाँ पर आ रहे हो आप कोई भी फील्ड में हो, काम सीख के हो तो अच्छा ही है, आपको यहाँ पर आने के बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अगर आप यहाँ पर कोई भी हाउसकीपिंग में हो या शेफ में हो या वेटर में हो, फ्रंट ऑफिस में हो, तो आप एक लाइव वीडियो आपके पास होना जरूरी है। ओके, तो आप यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर को दे तो सर्टिफिकेट पे लोग बिलीव नहीं करते। का मतलब नहीं है, एटलीस्ट काम करते हुए वीडियो देखते हो। कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा ही है और होटल में भी ऐसे ही है, क्लीनिंग में भी ऐसे ही है, जहाँ भी जाओगे आप एक वीडियो देखते हैं कि आप बंदे को काम आता या नहीं आता। ओके, और अकोमोडेशन आपका ये होटल कंपनी की तरफ से है। ओके, फूड कंपनी की तरफ से है दोनों टाइम का सब। ओके, और सैलरी भी मैंने जहाँ तक आपका 1000 यूरो सैलरी है, इट्स गुड सैलरी जी, ठीक है। और भाई यहाँ आने के बाद में आपको पिकअप वगैरह सब कुछ कंपनी की तरफ से? कंपनी ने पिकअप किया था मेरे को यहाँ पर, और एयरपोर्ट पे से पिकअप ड्रॉप सब। ओके, पेड लीव है आपके लिए? जी है। कितना? 21 डेज है। ओके, 3 हफ्ते का पेड लीव है जी, ईयरली जी। ओके, और TRC वगैरह इजीली आपका आते ही उन्होंने अप्लाई करवा दिया? आते ही उन्होंने मुझे अप्लाई किया, मतलब खुद लेके चले गए। ओके, पुलिस स्टेशन में सबमिशन कर दिया, 1 महीने में आ गया, मतलब मैं 13 दिसंबर को सबमिशन किया, 13 जन को आई। अच्छा, कंपैरेटिवली कई लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे काम वर्कलोड जो होता है बंदे पे बहुत ज्यादा होता है यूरोप में, तो फॉर एग्जांपल मेरे को भी नहीं पता है होटल लाइन में कैसा रहता है, तो आप एक बार बताएंगे कि होटल लाइन में क्या वर्कलोड वास्तव में जो जैसा लोग बोलते हैं उतना बहुत ज्यादा रहता है या मीडियम है या क्या सीन है? अभी ये अभी तो
लेकिन हम तो बिजी रहते हैं। अच्छा, ठीक है, बैंकवेट चलते ही रहता है। बड़ा होटल है लेकिन पार्टीज वार्टीज होते ही रहते हैं। जैसे समर स्टार्ट हो जाएगा तो और वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाएगा, पर ऐसा कि बहुत ज्यादा वर्कलोड ज्यादा नहीं है, इतना आराम से सर्वाइव करते हैं। और अच्छे लोग हैं यहाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव है, मिल के काम करते हैं और वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, काम करने वाले बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। और जो यहाँ का जो जैसे अपन देखते हैं, कई बार अपन देखते हैं कि यूएसए में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म है, इंडियंस को देख के ऐसा वैसा, यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग, बिहेवियर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बंदे को रेस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। और मतलब एक लोग इनका अपन दिल जीत लिए तो अपन फैमिली के साथ रखते हैं लोग। ये मैं आने के बाद में एक महीना ही हुआ मुझे आके, नया ही हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन सब कुछ अपने पे डिपेंड करता है, ये अपने व्यवहार पे, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, उनके साथ बिहेवियर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। बट लोग अच्छे हैं इसका मतलब, बहुत अच्छे लोग, ठीक है। अच्छा, होटल से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है अगर इनको, तो मेरे को मैसेज करिए वाइज भाई से, जब भी नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो ये खुद ही आंसर देंगे। ओके, क्योंकि ये खुद प्रैक्टिकली मैं दूंगा, तो हो सकता है आपको लगे मैं होटल में नहीं हूँ, होटल लाइन में, पर ये हैं, तो इनसे मैं प्रैक्टिकली मिलके इनसे जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है सब इनसे ही करवाऊंगा, तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा हाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है। पर जैसा कि इन्होंने बोला, अगर आपको यहाँ आना है तो 101% आपको काम आना चाहिए, जरूरी है, ज्यादा नहीं तो एक दो साल का एक्सपीरियंस। अगर आप आते हो एज अ किचन हेल्पर में भी, तो आपको काम आना जरूरी, काम आना चाहिए। ओके, आप एक साल भी काम किए हो, आपकी वीडियो आपके पास होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ से लोग एक साल भी काम किया हुआ है तो चलेगा, चल जाए। ओके, ठीक है भाई, ये होटल से रिलेटेड था, ये इनका एकोमोडेशन है वगैरह बताया, इनका होटल बाहर से कैसा क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो भी कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को आप भेज सकते हो। अभी डिलीवरी बॉय में जॉब्स है, क्लीनिंग में है और टैक्सी ड्राइवर में। आप मेरे को इंस्टा पे मेरा जो डिस्क्रिप्शन है, इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, वहाँ मैसेज कर सकते हो। और बाकी जो भी दूसरी जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको देते रहूंगा। और जॉब अगर आप यहाँ पर जॉब अप्लाई करते हो तो पीसीसी मस्ट, पीसी हाँ विद अपोस्टिल, जैसे हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, वो भी पासपोर्ट ऑफिस वाला, पासपोर्ट ऑफिस वाला, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि ये पीसीसी चाहिए नहीं चाहिए, मैं आपको अब बता दूं पीसीसी मस्ट है, पीसीसी चाहिए ही चाहिए, और पासपोर्ट ऑफिस वाला चाहिए, तभी वर्क परमिट अप्लाई होता है, क्योंकि वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। जब हम किसी को यहाँ पर कंट्री में हायर करते हैं, उस पर कोई केस है, क्रिमिनल केस ना हो, आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी है या नहीं आपकी कंट्री में, ये देखने के लिए वो बनाते हैं अपन, तो ये बहुत ही जरूरी है, उसके बिना आपका वर्क परमिट अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। और वाइफ भाई से मेरी इंटरनेट पे ही मुलाकात हुई थी, पर्सनली आज हुई है, शुक्रिया आपका सिद्धार्थ भाई, रात में 3-4 बजे मुझे कोई, मैं हमको मैसेज कर रहा, आप मुझे रिप्लाई दे रहे हैं, वो चलिए बनाए चैनल इसीलिए ताकि हेल्प कर पाऊं, और चलिए इससे एक और दोस्त जुड़ गया, जरूर। चलिए, तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप डायरेक्टली मेरे को पूछ सकते हो, मैं वाइफ भाई से पूछ लो, आप पूछ लो, हम जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इनको पूरा आंसर करना है, ठीक है। चलिए, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं जागरण में, थोड़ा एक सपोर्टिव इवेंट हो जाए कि शेयर सब्सक्राइब लाइक का बोल दीजिए, आप सिद्धार्थ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें इनको, थैंक यू। और आपको इनके चैनल से आपको सब न्यूज, आपको जो भी मेरे से मिल पड़ता है मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।